तो हम आ गए अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो है मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने जो है वो हमारा आई मेकअप ये थोड़ा बहुत देखा है, क्योंकि जिस तरह से हमने हाफ अभी आई मेकअप किया है तो उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे और आज ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसा लुक दिया है, किस तरह से ट्यूटोरियल में किया है। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखने हैं तो आप हमारी वीडियोज़ में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने अपनी बेस बनानी है। अभी आई मेकअप हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने पहले आज जो है अपनी फेस की बेस को मेक करना है। ये मैं एमली का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, नंबर 2 02 उसका नंबर है, और ये मेरे को कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से है। 01 या 03 भी आता है, कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बेस है, बहुत सॉफ्ट और नेचुरल लुक देता है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये हमने इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर लिया है। अच्छे से टैप करने के बाद हमने ये डार्क शेड वाला जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, लेकिन मैं इसीलिए डार्क यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा लुक जो है वो मेकअप का जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए। उसके बाद ये फिट मी का कंसीलर लिया है, तो जल्दी जल्दी हम अपने अंडर आई एरिया पर कंसीलर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इसको ब्रश से जो है वो एप्लीकेशन देनी है। सॉरी टू से कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है। देन उसके बाद ये ब्रश से हमने एप्लीकेशन देने के बाद इसको जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर, सॉरी लूज पाउडर ही मेरे पास जो मेरा अपना बनाया हुआ है, तो मैं उससे जो है अपने अंडर आई एरिया को जो है वो फिक्स कर लूँगी, ताकि बिल्कुल प्रॉपर हो जाए हमारी आई जो आई की जो अंडर एरिया जो कवर है। देन हम आ जाएंगे अपने ब्लश पैलेट पे, तो उसमें से मैं ये पीच वाला ब्रश शेड ले रही हूँ। अच्छा, ये देख लें मैं आप किस तरह से, मुझे इस तरह से कॉन्टूर करना है। इस तरह से आपने अपने ब्लश अप्लाई करना है, बट ये ब्लश भी है ऐसा कॉन्टूर भी है, तो मैं इसको दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद आपको इस तरह से ब्लश से ब्लेंड कर देना है। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आपने आ जाना है अपनी जॉ लाइन पर। जॉ लाइन को प्रॉपर हाईलाइट करना है बिल्कुल सेम इसी शेड से, कि आपकी जो चीक बोन्स हैं जो आपकी प्रॉपर बिल्कुल नज़र आए, आपका फेस जो है वो ग्लो करे और फीचर जो है वो इन्हेंस हो, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में शो करके दिखाया था। उसके बाद ये पिंक ब्लश लूँगी मैं मैट फॉर्म में और अपने चीक बॉल एरिया पर अप्लाई करूँगी, और जो मैंने ऑलरेडी ब्लश अप्लाई किया था जो मैट फॉर्म में उसके ऊपर मैंने ब्लेंड कर देना है। देन उसके बाद आ जाएंगे अपने आई की हाईलाइटर पर, तो अपने ब्रो बोन हाईलाइट करेंगे। अपने ब्रो बोन इस तरह से आपको हाईलाइट करनी है कि बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए, ये देखें। उसके बाद हमने चीक्स पर अप्लाई किया है, दोनों चीक्स पर अप्लाई करने के बाद नोज़ पर करेंगे। नोज़ के बाद हम थोड़ा सा उसको लिप्स पर हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद ये 3 इन 1 पैलेट दी है, इसमें से मैं ये मॉवे वाला शेड जो है वो ले रही हूँ, पर्पल वाला मैट फॉर्म में, और ये जो है डीप पर्पल कलर है, तो उसको हमने अपनी वाटर लाइन पर ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जो हमने आई शेडो जो मेक किया था, जो अपना इनर कॉर्नर वाला जो ब्लेंड किया था अपने आउटर एरिया पर, वो भी ब्लेंड कर देना है दोनों शेड को। देन मस्कारा अप्लाई करना है अपनी आई लैशेज पर। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम आ जाएंगे अपने लिप कलर पर, और आई लैशेज भी अप्लाई कर ली हमने। ओके जी, अब आ जाते हैं हमारा लिपस्टिक का शेड। हमने ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स की शार्प लाइन को मेक करना है। शार्प लाइन मेक करने के बाद हमने यही लिपस्टिक का कलर जो है अब अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद जो है हमने ये अपनी अंडर आई एरिया पर जो है वाटर लाइन पर हमने ये न्यूड शेड अप्लाई किया है। तो जी हमारा हो गया है मेकअप डन, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो आई मेकअप सरन मेकअप मैंने लुक जो है वो क्रिएट किया है, कोशिश की है क्रिएट करने की, कि आई हो कि आपको मेकअप जो है पूरी डिटेल में जो है मैंने करके दिखाया है। वीडियो को पार्ट्स में ट्यूटोरियल को मेक करने का और अपलोड करने का पर्पज़ ये है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो लोगों के पास टाइम नहीं होता सबके पास देखने के लिए, तो हमने इसीलिए हमने इसको वीडियो को पार्ट्स में जो है वो मेक करना शुरू किया है, ताकि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हर चीज़ जो है वो क्लियरली और आसानी से समझ आ सके। इसमें हमने बहुत प्यारी ग्लिटर्स यूज़ करी हैं सिल्वर, बिल्कुल प्रॉपर क्रिएट जो है वो लुक किया है आई शेडो का और पूरे फेस का। तो आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल पसंद आएगा, और आप चाहें तो हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है हमारी वीडियो में देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। अच्छा जी, अगर आपको मेकअप मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।